नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। सो देखो, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों होने वाली, मैं इसमें क्या क्या कवर करूँगा वो बताता हूँ आपको। पहले तो DW का एक नोटिस है, वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये पोस्ट याद होगी जो मैंने की थी कि 77 क्वेश्चन आप लोगों ने टोटल पूछे। मैंने पूछा था आप लोगों से छात्रवृत्ति के जो भी सवाल हो आप लोग लिख दो, मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में आप लोग देखो मैं कितने सारे आपके जो सवाल है लाइन लाइन से सभी के सवालों के जवाब दूंगा। तो वीडियो ये बड़ी होगी आप लोगों के लिए, मैं इतना एफर्ट करूँगा। सारे जितने आप सवाल आपने पूछे हैं सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और हेल्पफुल लगे तो शेयर कर देना। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, पहले नोटिस हम लोग देख लेते हैं। सो देखो, ये DW की तरफ से 20 फरवरी की नोटिस आई हुई है। 20 फरवरी यानी कि कल की डेट की नोटिस है। तो बेसिकली ये नोटिस देखिए लिखा क्या हुआ है इसमें, ये नोटिस जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थ नगर से आई है, पर ये हर जगह के लिए अप्लीकेबल होगी। तो इस नोटिस में बेसिकली ये देखो UID नेवर इनेबल और रिजेक्टेड आई बैंक वालों के लिए नोटिस है। देखो रिजेक्टेड आई बैंक, UID नेवर इनेबल, DBT, UID डिसेबल हो गया, मतलब वही की बैंक वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन ये है। देखिए इन्होंने बोला ना कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने से अगर आप वंचित रह जाएंगे, अगर आपने ये काम नहीं कराया तो आपको क्या करना है, अपना आधार जो है कि बैंक खाते में सीडिंग करा लेना। देखो बोला ना सीडिंग करा लेना, तो सीडिंग करा लेने का मतलब वही है NPCI मैप करा लेना आपको। मैं यही चीज आपको कितनी बार समझाता आ रहा हूं कि आपको NPCI मैपिंग करा लेनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा कि NPCI मैपिंग हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप करके करना पड़ेगा। तो पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद हम लोग ये सारे सवालों के जवाब अभी लाइन से देखेंगे। तो देखो NPCI मैपिंग चेक करने के लिए आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना upscholarships.org, जो वेबसाइट आपने अभी मेरी स्क्रीन पर देखी। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, आपको बस इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस आर्टिकल के नीचे स्लाइड डाउन करना है, हमको NPCI मैपिंग करने चेक करने के लिंक चाहिए। तो यहाँ पर अगर नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको देखो पहले नंबर जो लिंक दिखाई दे रही है UID आधार लिंकिंग स्टेटस, बस आपको इस पर ओपन कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है आपको। देखो यहाँ पर देखो आधार की वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, ये कैप्चा डालना है, OTP डाल के उसके बाद आपको सिंपल मतलब आ जाएगा आपका कि कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। अगर ये आ रहा है तो आपको बैंक से कोई दिक्कत नहीं आएगी, UID नेवर इनेबल जितनी भी समस्याएं हैं उससे कोई आपको लेना नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो इनएक्टिव आ रहा है या फिर वहां पे आपका नहीं दिखा रहा बैंक का नाम, तो तुरंत बैंक जाना है आपको और फॉर्म जो आपने टेलीग्राम चैनल पे मेरे देखा है आपको वो फॉर्म फिलअप करके आधार की फोटोकॉपी देके और वो आधार सीडिंग आपको करा लेनी है। अब चलते हैं आपके सवालों के जवाब देते हैं लाइन से, तो उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो ये चीज़ तो आपने देख लिया। अब एक कॉमन सा सवाल आ रहा है वो भी हम लोग अभी लाइन से अब देखते हैं। देखो इसमें 77 सवाल आप लोगों ने पूछे थे, तो मैं सारे सवालों के जवाब लाइन लाइन से देता हूँ। पहला सवाल है सागर कुमार का, सर मेरा करंट स्टेटस डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट शो हो रहा है, इसमें क्या करना है। आपको एक शपथ पत्र बनवा के जो है कि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना, उसमें शपथ पत्र के बारे में बताया है, तो वो काम आपको करा लेना है। अंशु का मेरे वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको वेट करना, अगर पेंडिंग है DW है तो आपका ये एक वीक के अंदर अंदर हो जाएगा, और बाकी अगर कुछ और है तो 10 मार्च तक का टाइम लगेगा। अंशु इनका सवाल है, देखिए सर मैं BEd फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरी स्कॉलरशिप के फॉर्म के स्टेटस पेंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, कब तक होगा। बस आपको एक वीक का वेट करना मैक्सिमम, मतलब ये मैं बहुत ज़्यादा एक दिन एक वीक बता रहा हूँ, मतलब ये मैक्सिमम टाइम लगेगा, 7 दिन के अंदर अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। मेरा बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया, आधार लिंक हो गया, वेरीफाई कब तक होगा। देखो अगर आपका रिजेक्ट हो गया है और आपने जैसे मैंने बताया NPCI मैपिंग अगर वो चीज़ आपकी शो हो रही है तो आपको चिंता नहीं लेना, ये स्टेटस अपडेट हो या ना हो आपका छात्रवृत्ति का पैसा इसकी वजह से नहीं रुकेगा। विनय ठाकुर का सवाल है, सर मेरा सत्यापित नहीं हुआ है, दिखा रहा है सर मेरा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा। देखो सत्यापित नहीं वाले से स्कॉलरशिप नहीं रुकेगी, आ जाएगी, आपको कॉलेज में बात कर लेना इसके बारे में। सस्पेक्ट एज किसलिए तिवारी, सस्पेक्ट एज का क्या बोलते हैं, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या करना था वो मैंने सोल्यूशन आपको बताया था ऑलरेडी, कि आपको जो है कि आधार की फोटोकॉपी और 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी अपने कॉलेज में आप सबमिट कर दो, ये चीज़ हो जाएगी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि 10th में आपका 16 साल से कम उम्र में रहा होगा, इस वजह से ये समस्या दिखा रहे हैं। हमारा स्टेटस 12 जनवरी का वेरीफाइड है, प्रवीण कह रहे हैं इनका स्कॉलरशिप कब आएगा। आप देखो इस वीक के अंदर अंदर आपका स्कॉलरशिप आ सकता है, अगर आपने नवंबर मतलब फॉर्म भरा, अगर आपने दिसंबर के पहले फॉर्म भरा है आपने, तो आपका 28 तारीख तक छात्रवृत्ति आ जाएगी। अंकुर राठौर का सवाल है, स्टेटस पेंडिंग है, सिर्फ बैंक वेरीफाइड है और फॉर्म नॉट सत्यापित दिखा रहा है। इनका स्टेटस पेंडिंग में तो वो एक वीक लगेगा, बैंक वेरीफाइड है, सत्यापित क्या बोलते हैं नॉट दिखा रहा है अगर, तो ये दिक्कत की बात है थोड़ी, पर इससे छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी। आपको भी सेम काम करना है, आपको कॉलेज में अपने बात कर लेना है। NPCI चेक करने पर टेक्निकल इशू आ रहा है, देखो इसको आप सुन लो, ये बहुत लोगों को आपके डाउट है। तो जो टेक्निकल एक्सेप्शन आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि आपके NPCI मैपिंग में कोई दिक्कत आ गई इसलिए ये टेक्निकल एक्सेप्शन आपको लिख के आ रहा है। इसका मतलब कि वेबसाइट में इशू सभी के लिए है, इसके वजह से आपका ऐसा नहीं है कि आपने पहले NPCI मैपिंग आपका दिखा रहा था, अब अगर ये चीज़ आ रही है तो आपका NPCI मैपिंग हट गया, इसका
लिए बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर एक बार आपने पहले चेक कर लिया कभी भी कि NPCI मैपिंग है तो वो बदल नहीं जाएगा, ये टेक्निकल एक्सेप्शन उनकी वेबसाइट की समस्या है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल लेते हैं प्रियांशु एडिट्स का, ब्रो मेरा सत्यापित नहीं हुआ है अभी तक, तो ये चीज़ हो जाएगी, मतलब आप अपने कॉलेज में बात करो, और तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं, आपके तरफ से कुछ पेंडिंग नहीं है। मिसमैच काउंसलिंग डिटेल्स लिख कर आ रहा है, अभी भी कलेक्शन करवा के फाइनल सबमिट कर दिया। देखो मिसमैच काउंसलिंग डिटेल्स का मतलब हुआ कि सस्पेक्ट वाला डेटा है, और सस्पेक्ट वाले डेटा का जो मतलब वो वेरिफिकेशन स्टार्ट होना था वो होना था 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक, हालांकि अभी 3-4 दिन हो गए लेकिन अभी तक ये करेक्शन वाले या सस्पेक्ट वाले किसी के भी स्टेटस बदले नहीं है, कोई हो तो कमेंट में लिखना। तो ये देखो 10 मार्च तक टाइम है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले आप कोई सवाल नहीं कर सकते DW से। काउंसलिंग डिटेल्स मिसमैच तो सेम वही मैंने बताया आपको जो अभी ऊपर, इनके लिए सेम चीज़ अप्लीकेबल होती है आपके लिए भी। डुप्लीकेट मोबाइल नंबर दिखा रहा है SC का, देखो तो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर बता रहा, तो ये प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, ये चीज भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इसमें तो मेरे हिसाब से कुछ भी आपको नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, हो जाएगा। टेक्निकल एक्सेप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया। SS शर्मा का सवाल है, BEd मेरा डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग दिखा रहा है काफी दिन से। देखो तो पेंडिंग दिखा रहा है अगर डिस्ट्रिक्ट से तो टेंशन नहीं लेना, 1 वीक का टाइम लगेगा मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं 1 वीक मतलब 7 दिन का टाइम, उसके अंदर अंदर आपका चीज वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि जो डेट है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, 17 तक लास्ट डेट थी, तो DW इसको जल्दी ही निपटाएगा। सत्यापित नहीं प्रॉब्लम काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जा रही इस पे बात बताओ कुछ। देखो सत्यापित नहीं की डेट आपको मैंने बता चुका हूँ कल लाइव में भी कि 30 जनवरी इसकी आखिरी डेट थी, तो डेट तो ऑलरेडी बीत चुकी है, और इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है, ये आपके कॉलेज का काम है, तो एक बार उनसे जरूर बात कर लो, हालांकि इसकी वजह से छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी। पेंडिंग है DW, ये मैंने बता दिया आनंदी, 1 वीक का टाइम लगेगा। इनका सवाल है, भाई मेरा स्कॉलरशिप कब आएगा, मेरा सब जगह से वेरीफाई है, 7 को मेरा पूरा वेरीफाई हो गया, दिसंबर में सबमिट किया था, दिसंबर में सबमिट किया। देखो अभी कम टाइम मतलब आपका चांस है, फरवरी में मेरे हिसाब से मार्च में ही आपकी छात्रवृत्ति आएगी। सालिंग सवाल है, UP बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मिसमैच, तो इसको क्या करना। देखो ये इसलिए इसका सोल्यूशन मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था कि DW से जो इसका सोल्यूशन आया उसका सोल्यूशन ये आया कि आपको क्या करना है, एक जो है कि एप्लीकेशन लिखना है और अपने 10th की मार्कशीट की फोटो कॉपी और स्टेटस की कॉपी अपने कॉलेज में देनी है। अब हालांकि कॉलेज पता नहीं अब ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये बड़ा सवाल है। अंकित का सवाल है, रोल नंबर नॉट मैच UP बोर्ड, तो ये सेम जो मैंने ऊपर बताया सेम आपके लिए भी वही चीज़ अप्लीकेबल है। सागर कुमार का सवाल है, सर मेरा स्टेटस में भी रिजेक्टेड बैंक शो कर रहा है, NIC नहीं सही किया है, कब होगा। बस वही NPCI मैपिंग करा लो सागर, अगर आपका NPCI मैपिंग कॉन्सलेशन करके आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मोहम्मद शाहरुख का सवाल है, सर अभी तक नहीं ठीक हुआ मेरा स्टेटस, UID डिसेबल फॉर DBT आ रहा है। अगर NPCI अगर आपने करा लिया है, देखो शाहरुख, तो आपको टेंशन नहीं लेना, वही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटस में भले आपका गलत दिखाए लेकिन अगर आपका NPCI मैपिंग हो गया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। रघुराज इनका सवाल है, सर मेरा फॉर्म 5 फरवरी को वेरीफाइड हो गया, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया। बस आपको 28 तारीख तक मतलब वेट करना है, छात्रवृत्ति आ जाएगी 21 से 24, हालांकि सर्कुलर में डेट लिखी है लेकिन मैं 28 तक बोल रहा हूँ आपको। इनका सवाल है, भाई हमारा बैंक रिजेक्ट है और तो कैसे करूँ, ये कौन सी बैंक होनी चाहिए एक्टिव स्कॉलरशिप के लिए। देखो स्कॉलरशिप के लिए कोई भी बैंक होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से हो, बैंक का कोई लेना नहीं है, बस आपका NPCI मैपिंग बैंक में होना चाहिए और बैंक एक्टिव होना चाहिए, दो ही कंडीशन है, उसकी वजह से आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। कब तक आएगा ये मैंने आपको बता दिया, अगर आप क्या बोलते हैं नवंबर के पहले वाले हो मतलब नवंबर वाले हो तो 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएगी, भेजी जा रही छात्रवृत्ति, आप देखते होंगे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। विशाल सिंह का सवाल, BEd का स्कॉलरशिप कब आएगा, दिसंबर का फॉर्म है 8 फरवरी को। देखो BEd का हो या कोई का भी, अगर दिसंबर वाले हो, दिसंबर वालों की छात्रवृत्ति अभी नहीं भेजी गई किसी की भी, तो ये चीज़ अभी अगर कोई हो दिसंबर में जिसकी छात्रवृत्ति आई हो तो कमेंट में लिखना ताकि और लोगों को भी क्लियर हो। मैं BEd का स्टूडेंट हूँ, मेरा वेरीफाई हो चुका, कब तक आ सकता है, वही है कि 1 वीक का वेट करो, उसके अंदर अंदर आ जाएगी छात्रवृत्ति। UP डेटा नॉट मैच ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। DLED सेकेंड सेमेस्टर विद करेक्शन स्कॉलरशिप कब तक आएगा, करेक्शन वाले हो तो आपका 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में सर्कुलर में लिखा हुआ है, तो ये उससे भी ज़्यादा टाइम जा सकता है, मतलब करीब समझ लो कि मार्च लास्ट तक छात्रवृत्ति आएगी। UP बोर्ड CBSE बोर्ड का सेम है वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाई इंस्टीट्यूशन, इनॉलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच, तो इसमें भी देखो सेम काम करना है, जिनका भी ये चीज़ दिख रहा है काम क्या करना है, इनको भी जो है कि इनॉलमेंट नंबर या इसका कोई प्रूफ आपको सबमिट करना है कॉलेज में, फोटो कॉपी उसकी और एक अप्लीकेशन लिख के और एक स्टेटस की फोटो कॉपी, ये 3 चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। ये DW की तरफ से रिप्लाई आया, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी वो देख लेना, उसमें मैंने ये चीज़ समझा दी है। अगला सवाल लेते हैं, क्या करेक्शन वाली स्टेटस कब से अपडेट होना स्टार्ट होगा। करेक्शन वाला वही चीज़ मैंने आपको बताया कि 17 से स्टार्ट होना था, अभी नहीं हुआ है, 10 मार्च तक का टाइम है इसका। रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS अक्टूबर मंथ से यही सो रहा है, NPCI मैपिंग भी हो रही है फिर भी, तो NPCI मैपिंग हो गई तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका तीनों जगह से एक साथ ही वेरीफाई हो जाएगा, मेन चीज़ है NPCI मैपिंग होना। अप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाई इंस्टीट्यूशन ये मैंने बता दिया, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे कॉलेज वालों ने 1,10,000 फीस लिया और स्कॉलरशिप में 72,000 की फीस पड़ी है, मेरा फॉर्म इतने को सबमिट हुआ था और वेरीफाई भी हो गया, तो स्कॉलरशिप कब तक आएगी।
स्कॉलरशिप देखो, अगर आपने क्या बोलते हैं दिसंबर वाले हो तो स्कॉलरशिप आपकी मार्च में ही आएगी, फरवरी में कम चांस है क्योंकि फरवरी में अभी नवंबर और उससे पहले वालों की छात्रवृत्ति दे रहे हैं लोग जनरली। मिसमैच इन काउंसिल डिटेल्स इंटर रहा, करेक्शन होने बाद ही पैसा आएगा कि नहीं बताओ। देखो करेक्शन होने बाद पैसा आएगा क्यों नहीं आएगा, करेक्शन का उन्होंने मौका दिया तो पैसा तो आएगा ही। नॉन काउंसलिंग का महेश मैंने ऑलरेडी दिखाया था आपको, मतलब कुछ लोगों का ये लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं, कुछ का रिजेक्ट भी कर रहे हैं। अभी किस क्राइटेरिया आप कर रहे हैं मुझे नहीं पता आपको, मैं दो तीन स्टेटस मैंने सुबह की वीडियो में भी दिखाया था जिसमें नॉन काउंसलिंग वालों का रिजेक्ट किया गया है। अब इनका राम सागर सर, मैं आज बैंक से एनपीसीआई मैप कर लिया, आवेदन कर लिया है, तो 24 घंटे लगेंगे आपका हो जाएगा। सेकेंड किस्त आएगी मार्च के बाद, मतलब मार्च में ही आएगी अगर आनी होगी तो, उससे पहले तो बहुत कम चांस है सेकेंड किस्त का। तो ये सारे सवाल थे, मैंने कोशिश किया सारे ही सवालों के जवाब दिए, बहुत आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी एफर्ट किया इस वीडियो में, मैंने इतने सारे सवालों के जवाब दिए आप सभी को। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दो, और जो जरूरतमंद हो जिनके सवाल हो इस वीडियो में उन तक इस वीडियो को पहुँचाने में मेरी हेल्प करो। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।